चलता है, है? भगवान हाथी की तरह। लेकिन एक हाथी किसी गांव में आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं छोटे बच्चों, हाथ जोड़ो गणेश जी हैं, गणेश जी के हाथ जोड़े जाते हैं, गणेश जी के भाव से हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं। शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ये तो सही है कि सबसे ज्यादा हाथ हाथी के जोड़े जाते हैं, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हो। ये स्वाभाविक नियम है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे, स्वाभाविक नियम है। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात, मैं कई बार सोचता हूं कि कुत्तों को हाथी से क्या तकलीफ, काहे को भौंकते हैं ये। अच्छा, कुत्ते सचमुच हमारी भाषा समझते होते तो हम जरूर पूछते, और कुत्ते एक ही उत्तर देते अगर सच बोलते तो कुत्ते यही कहते कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं, बस और कोई कारण नहीं। हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े जो खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे। अच्छा, एक और विडंबना है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंकें। कुत्ते कभी आगे आके भौंकते नहीं है और पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हाथी की चाल में मस्ती रहती है कि झूमते हुए हाथी की तरह, आह सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनो मंजुवर कुंजर गामी, है हाथी की तरह। क्यों? हाथी की एक विशेषता है, वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। और मुझे तो हर युग से यही दृश्य दिखाई पड़ता रहा लोगों को, और आज भी हमें वही दृश्य दिखाई देता है। हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, भौंकने वाले पीछे पड़े हैं, पर भगवान का भक्त मस्त हाथ गजराज की तरह झूमता हुआ भगवान के भरोसे चल रहा है।